आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग सेटअप कैसे रेडी करें। ओके, जैसा हमने आपको थंबनेल पर दिखाया था, आपको एक अच्छा सा ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करके मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप, अगर आपको मोबाइल से ब्लॉग करना है, अगर आपको मोबाइल से वीडियो बनाना है, तो वॉइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, लुक, आपके हाथ में ट्राइपॉड रहेगा, अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा आपको भी नर्वस फील नहीं होगा उससे, और आसपास जो लोग होंगे उनको भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, भाई क्या सेटअप लिया है रखे ने। ओके, हमें कोई भी DSLR वगैरह नहीं चाहिए, आपके पास जो भी फ़ोन है उसी फ़ोन से एक ट्राइपॉड, एक माउंट, एक माइक को हम यूज़ करेंगे और एक मस्त सा ब्लॉगिंग का सेटअप रेडी करेंगे। और एक प्रोफेशनल आप उससे स्टार्ट भी कर सकते हैं और मिलियंस अगर आपके चैनल से तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल है। 2000 रुपये अराउंड आपका खर्चा आएगा, लेकिन लुक इतनी अच्छी आएगी और आपको उससे फीलिंग भी अच्छी आएगी और क्वालिटी भी अच्छी आएगी, वॉइस भी अच्छी आएगी और देखने भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक्साइटमेंट रहेगी हमेशा एक नया ब्लॉग करने के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक ये चाहिए, ये फोटो प्रो कंपनी का है। दूसरा आपको एक माउंट चाहिए उलांजी कंपनी का, 450 रुपये का, ये 1000 या 1200 रुपये का। और आपको चाहिए एक माइक, ये माइक, ये रोड माइक है बोया का, इसकी प्राइस 1700 रुपये, मतलब 2 से 3000 रुपये आपका जाएगा, आप इसको सस्ता वेरिएंट में ले सकते हैं। 3 चीज़ें चाहिए, पहली चीज़ चाहिए ट्राइपॉड, दूसरा चाहिए हमें माउंट, जो हमने मंगाया है, मैंने इसकी जो अनबॉक्सिंग किया अभी देख लीजिए चैनल पर मिल जाएगी, और तीसरा पे चाहिए ये बोया का, ये माइक, ये वाला माइक। इसमें क्या है, ये स्पेशली होता है रोड माइक है ब्लॉगिंग करने के लिए। ओके, शॉर्ट गन माइक कह सकते हैं इसको। तो 3 चीज़ों से देखिए, अब आप इसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आप इसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं और इसमें, इन तीनों को सस्ता वाला भी मंगा सकते हैं और कुछ बजट बच जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मंगाते हैं तो परफेक्ट होगा 2-4-10 सालों की ब्लॉगिंग के लिए। ओके, इन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। अब हम आपको सेटअप रेडी करके दिखाते हैं कि कैसे आपको सेटअप अपना रेडी करना है। तो ये पहली चीज़ हो गई, ये फोटो प्रो कंपनी का, ये आपको मिल जाएगा गिम्बल कह सकते हैं, गिम्बल ट्राइपॉड कह सकते हैं इसको, आप इसको 360 रोटेट कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, चाहे जहाँ से भी आप एंगल लीजिए, आप कोई भी कैसे भी वीडियो बनाइए इसको ऐसे मोड़िए। ओके, पूरा मोड़ लीजिए इसको और इसको चाहे जैसे भी कर लीजिए, पेड़ों में लटका दीजिए, आप इसको झाड़ियों में छुपा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से इसका सेटअप हो गया। ये सबसे ज़रूरी है हमें ब्लॉगिंग करने के लिए और आपके पास ये चाहिए। सेकंड, एक हमें चाहिए माउंट, और ये माउंट मैं प्रीफर करूँगा उलांजी कंपनी का, 450 रुपये का है। ओके, ये आपको मिल जाएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ देखो स्पेशल क्या होता है इसमें, जो बाकी ट्राइपॉड, अगर आपके पास ऐसा माउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा माउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ लगा होता है ये, इसमें माइक लगाने के लिए जो स्पेशल माइक आती है, इस माइक को यहाँ लगाने का काम आएगा। ओके, तो हमारा ये सेकेंड सवारी आती है माइक की, ये बोया M1 है, शॉर्टगन माइक है, और ये रोड माइक है ब्लॉगिंग करने के लिए। ओके, और ये सेटअप पे काफ़ी अच्छा लगता है, इसको बाहर निकालते हैं, इसकी भी अनबॉक्सिंग चैनल पे है, देख लीजिएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जो हम सामान आपको दिखा रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया होगा। पहली चीज़ है ये, जो पहले काफ़ी अट्रैक्ट करती है, ये हो गया, आप बोलोगे या आप ब्लॉगिंग करते हो। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इसलिए होती है कि आप अगर बाहर हवा हवा आएगी तो इसमें से हवा रुक जाएगी, क्योंकि फ्रेश आपकी साउंड आएगी। और ये हो गई हमारी माइक, जो हमें आवाज़ को लेता है, तो ये इसके अंदर ऐसे हो जाता है। ओके, ये ऐसा लग गया। अब इसके अंदर कुछ किट मिलता है, इसमें कुछ सामान होता है, इसको कर देते हैं साइड में। ये हमें बोया कभी भी आप माइक लीजिए, अच्छा आवाज़ आता है और क्वालिटी अच्छी होती है, और हमेशा एक बैग देता है बोया अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए। ओके, इसमें मुझे एक मिलता है ये, और इसी की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ लगाने के लिए, ऐसे आपने ये देखिए, इसी वजह से हमें इसको बाई करना पड़ा, बस एकमात्र यही रीज़न इसको बाई करने का। अब यहाँ से इसको कर देंगे टाइट, अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ये देखिए, यही रीज़न है कि हमें इसको बाई करना पड़ा 450 रुपये का। ओके, यहाँ से इसको हम ढीला करेंगे, इसको हम नॉर्मल भी यूज़ कर लेंगे, ये देखिए ये नॉर्मल है ब्लॉगिंग में, अब किसी और में काम आ जाएगा, नॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब ये 2-in-1 मल्टीपर्पज़ के लिए है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ऐसे देखिए, ये ऐसे, अब इसको हम ऐसे कस लिए, ये हो गया टाइट। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ, एक एक सेटअप करते हुए चलते हैं। ओके, यहाँ ऐसे आ गया, यहाँ इसको हमें यहाँ लगा दिया जाता है, यहाँ इसका जगह बना हुआ है, ये सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला, ये ऐसे,
ये हमारा सेटअप हो गया रेडी कुछ इस तरह से। अभी देखिएगा इसकी लुक बहुत ही प्यारी आने वाली है। बहुत ये हो गया सेटअप रेडी, माइक यहाँ हो गया, ये रोटेट भी होगा और ये हो गया माउंट। अब देखिए अब इसमें दो केबल आते हैं, ये केबल होता है फ़ोन में, इधर से फ़ोन में जाएगा और इधर साइड से आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा एक और केबल आता है, इसको आप कैमरे में लगाएंगे और इसको फ़ोन में लगा लेंगे। ओके इसको हम करते हैं साइड में। अब देखिए बारी आती है, ऐसा होता है ये फोटो प्रो में आपको मिल जाएगा। ओके फोटो प्रो भी एक माउंट देता है लेकिन माउंट में यहाँ ये ऐसा नहीं रहता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इसको हम यहाँ से इसको ऐसे लगा लेते हैं। पूरा एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का सेटअप रेडी होगा। ओके ये देखिए कुछ ऐसा अब हमारा ये रेडी हो गया। ओके अब यहाँ लगा देते हैं फोन, आपके सामने रेडी हो गया मेरा ब्लॉग सेटअप। ये है ओरिजिनल ब्लॉग सेटअप और थोड़ा सा पैसा खर्चा इसमें होता है लेकिन अच्छी लुक आती है, क्वालिटी अच्छी आती है और आप जब ब्लॉगिंग के लिए निकलोगे रोड पे तो अच्छा भी लगेगा। बाकी जहाँ मर्जी यूज कीजिए, कहीं ब्लॉगिंग के लिए कहीं यूज कीजिए। ओके अब देखिए ये यहाँ से भी मोड़ सकते हैं और इसको आप यहाँ से चाहे जितना बेंड कर दीजिए, ओके चलेगा, देख रहे हैं ना। उसके अलावा आप इसको यहाँ से ढीला कीजिए, ये नीचे ऊपर पीछे 360 पूरा रोटेट कीजिए। ओके देखिए पूरा रोटेट ना, ये पूरा का पूरा 360 भी है, चाहे जहाँ मर्जी आप इसको कीजिए, लेकिन इसको हमने यहाँ रख दिया। अब देखो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इसके पीछे यहाँ एक और ग्रिप है, एक और बोले ना तो छोटा सा रिंग लाइट आता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम करेंगे, जैसे हम इसको लाइव, हमें लाइव स्ट्रीम करना है इंस्टाग्राम पे किसी एप्लीकेशन में यूट्यूब में ही, तो ऐसे सामने रखेंगे, यहाँ फोन लगाएंगे, ऐसे बैठ गए और हमारा ब्लॉग रेडी हो गया लाइव स्ट्रीम करना। अब देखिए यहाँ हम छोटी सी रिंग लाइट लगा सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाई कर लीजिएगा। यहाँ दिख रहा है आपके सामने रिंग लाइट, यहाँ आप रिंग लाइट लगा लेंगे। ओके अब आपका रिंग लाइट भी लग गया। अब हमें फ़ोन को लेना है, ऐसे आपका कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, ऐसे हमने फ़ोन को यहाँ ऐसे लगा दिया और मेरा फ़ोन लग गया देखिए आपके सामने। ओके लग गया फोन ना। अब देखिए मेरा ब्लॉग सेटअप पूरा का पूरा रेडी है। अब हम इसको 3.5mm जैक है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं ऐसे, पूरा रेडी हो गया। अब हम अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं और यहाँ से रिकॉर्डिंग होगा, ये वॉयस रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ से माइक काम करेगा और इसको हम ऐसे अपने हाथ में पकड़ लेंगे ऐसे ऐसे और ये हमारा ब्लॉग सेटअप है। अब ब्लॉग शूट कैसे करेंगे और शूट करते समय कैसे लुक आएगी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा बिल्कुल, ये माइक ही रहेगा वही, ये फोन आपका हो गया आईफोन, ये आपका ट्राइपॉड हो गया, गिम्बल हो गया। अब हमें चाहिए एक ये लाइटनिंग केबल। ओके इसकी बाइक लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई कर लीजिएगा, एप्पल की स्टोर से बाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये 3.5mm का है, हम इसको लगा नहीं सकते। ओके तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा लाइटनिंग केबल, ये लाइटनिंग केबल लग गया। अब हम सभी इसको यहाँ से ऐसे लगा देंगे ऐसे। अब ये हमारा ब्लॉग सेटअप रेडी हो गया, ये हो गया आईफोन यूजर के लिए। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आईफोन के लिए ये है पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप। अब यहाँ से आपका पूरा ब्लॉग सेटअप, आपको आईफोन यूजर के लिए एक चाहिए ये बोया का माइक, आपका चाहिए आईफोन, आपको चाहिए फुलांजी का एक माउंट, आपको चाहिए एक ट्राइपॉड, आपको ये केबल फ्री में मिल जाएगा और आपको ये लाइटनिंग केबल चाहिए। ओके इस तरह से आप सभी को आईफोन यूजर के लिए ब्लॉग सेटअप रेडी हो गया। इन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसके भी माउंट का भी, सब इन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन सबको बाई कर सकते हैं और बाई करके आप एक अच्छा सा सेटअप रेडी कर सकते हैं अपना आईफोन यूजर। अब आप सभी ब्लॉग सेटअप रेडी करने वाले हैं। ओके आपके पास माइक आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई कर लीजिएगा, ये माउंट उलांजी का लिंक डिस्क्रिप्शन बाई कर लीजिएगा, ये ट्राइपॉड बाई कर लीजिएगा, ये सब आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगा, इसकी किट की अनबॉक्सिंग आप देख लीजिएगा। ओके अब देखिए आपके पास है वन प्लस, अगर आप एक वन प्लस यूजर हैं तो यहाँ 3.5mm का जैक नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि अगर हम इसको लगाएंगे कहीं भी नहीं लगा सकते क्योंकि 3.5mm का कहीं भी जैक नहीं है। तो अगर आप एक वन प्लस यूजर हैं
तो वन प्लस उधर ब्लॉगिंग सेटअप कैसे करेंगे? ऐसे हमने इसको लगा दिया और ये हमारा वन प्लस रेडी हो गया। वन प्लस की फोन में वीडियो काफी अच्छी आती है। आपको कोई भी फोन बाई करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई कर लीजिएगा। अब तो वन प्लस के फोन 19,000 रुपए में भी आने लगे हैं, काड़ा पर भी चल रहा है वन प्लस नॉट सी लाइन। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फोन है। अब देखिए, अगर आप एक वन प्लस यूजर हैं तो सब कुछ आपने बाई कर लिया इन सभी चीजों को, आप हमें सबसे पहले एक ये चीज चाहिए, ये मिलता है 350 रुपए का, 3.5 mm का जैक नहीं है, तो पहले टाइप सी लगेगा उसके बाद 3.5 mm लगेगा। ओके, ये अब देखिए, यहाँ हम आते हैं यहाँ ऐसे, पहले हमें इसको देखिए, पहले हम इसको ऐसे लगाएंगे अपने वन प्लस के फोन में, लग गया। अब ये जो माइक का सेटअप है इसका 3.5 mm है, इसको हम यहाँ लगा देंगे ऐसे। ओके, तो अब आपके पास एक प्रोफेशनल ब्लॉग का सेटअप भी रेडी हो गया। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया एंड्रॉइड यूजर के लिए, वन प्लस यूजर के लिए, ये भी एंड्रॉइड है, और आईफोन यूजर के लिए एक ऐसा सा ब्लॉग सेटअप कैसे करें। सभी इक्विपमेंट्स के लिए जितने भी सामान हमने यूज किया सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबको बाय कीजिए। आप थोड़ा सा पैसा खर्चा कीजिए पहली बार, लेकिन अच्छा सामान मिल जाएगा, ये आपको 2-4 साल तक भी खराब नहीं होगा। तो आप सस्ते सामान मत लीजिएगा, मैंने आपको जो रिकमेंड किया आप उसको बाय कर लीजिए, वो कभी खराब नहीं होगा, और आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल ब्लॉग सेटअप रेडी करेंगे, और क्वालिटी भी आपके ऊपर काफी अच्छी दिखेगी जब आप ट्राइपॉड वगैरह हाथ में पकड़ेंगे। ओके, कुछ ऐसा आप भी ब्लॉग कीजिए।